दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑडियंसेस की अगर बात की जाएगी तो सबसे ऊपर आप सबका नाम आएगा। मेरी अगली फूड सीरीज बहुत जबरदस्त होने वाली है और मैं पिछले महीने कश्मीर गया था। कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, देखी थी, बट बहुत ज्यादा नजदीक से मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। मेरे एक दोस्त की कजिन की शादी थी और मुझे पूरा वाजवान, कैसे रस्में होती हैं, कैसे शादी होती है, मेहंदी रात से लेकर के निकाह, निकाह से लेकर के देन वलीमा, बिल्कुल ही अलग दुनिया, अलग ही लोग, अलग कल्चर। शादी अटेंड करने के बाद मैंने बहुत सारे लोकल खाने ट्राई किए और बारबेक्यू का सीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ठंड जैसे ही शुरू होती है सब जगह बारबेक्यू शुरू हो जाता है, जिसको यहाँ पर तुझ कहते हैं। जामा मस्जिद गया मैं, डाउनटाउन फिल्मों में देखा है और सुना कि बहुत, यू नो, यू कैन नॉट गो देयर। मैं कैमरा कैरी कर रहा था लेकिन फिर भी लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना वेलकम किया, मुझे तो लगा ही नहीं जैसे मैं किसी नई जगह और इतने अंदर किसी इलाके में आ गया हूँ। जो असली एक्सपीरियंस था उसकी वजह से मैंने अपनी पूरी ट्रिप एक्सटेंड की और ये एक ट्रैक था। उस ट्रैक पे जाने के बाद जो लाइफ में मेरे चेंज आया है, जब हम लोग ऊपर पहुँचे हैं और इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, मैं अब मान गया हूँ वाकई में कि वाकई में कश्मीर किसी जन्नत से कम नहीं है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू ब्रिंग द एसेंस ऑफ द कश्मीरी कल्चर एंड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द कश्मीरी पीपल, और वो जो खूबसूरती है कश्मीर की वो मैंने निखारने की कोशिश की है। खूबसूरती से क्या होता है, वी कनेक्ट, हमें नए कल्चर के बारे में जानने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, लोग क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, वो मैं खुद भी एक्सपीरियंस करता हूँ और वो एक्सपीरियंस आप तक पहुँचाने की भी कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया है कि मेरा चैनल 50,000 पहुँच गया है और हमारी स्पाइसर फैमिली अब हो गई है 50,000। आई थिंक 26th October वॉज द डेट जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था और मैंने 1,000 सब्सक्राइबर्स मीट किए थे और 4,000 वॉचर्स भी उसी वक्त कंप्लीट हुआ था। और 2.5 महीने का सफ़र, इतना तेज़, इतना ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, आई थिंक ये फीलिंग मैं नहीं बयान कर सकता। आई कैन नॉट एक्सप्रेस, मैं इसको शब्दों में कैसे पिरोऊं और कैसे इन अल्फाजों को बयान करूं कि मेरी कितनी ज़्यादा खुशी है कि मैं क्या बोलूँ। थैंक यू वन एंड ऑल, see you in the next series, bye bye.